दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय ध्वनि प्रदूषण। भाई भारत तो क्या बोले तो क्या है, उसमें शोर और प्रदूषण के सिवा कुछ होता ही नहीं। हमारा कुछ भी त्योहार हो, शोर मच गया, शोर देखो आया माखन चोर, तो शोर तो है ही नहीं भाई। तो ये शोर शराबा जो होता रहता है उससे क्या होता है ये हम लोग भूल जाते। हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है भाई ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, पर आपको आश्चर्य लगेगा कि ये जो शोर है ये अंतरराष्ट्रीय नियमन के अगर सोचा जाए तो 55 डेसिबल के ऊपर का आवाज इसको शोर माना जाता है। उससे आपको वो ध्वनि प्रदूषण का प्रमाणित है, उसके ऊपर जो आवाज है वो ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। अब 55 डेसिबल यानी अरे क्या चल रहा है, ये भी 55 डेसिबल है, इसके ऊपर का ये, यानी आपको अचरज लगेगा छोटा बच्चा जब रोता है, आप कितने भी अच्छे हो अगर वो शोर शराबा करके वो रो रहा है हम कितने उसको सहन कर पाते। बोलते यार इसको चुप करो ना यार, दूध पिलाओ यार, लेके जाओ, क्या है आपको उसको संभालने को नहीं आता है क्या? क्यों होता है? क्योंकि वो शोर आप सहन नहीं कर पाते। आप कांच अगर काटने वाला कोई है वो जो कटौती होती है काटी जाते हैं, बहुत लोग वो सहन नहीं कर पाते। मान लो आप रेलवे स्टेशन के बाजू में रहते हो, आप रहते हो तो आपको तो वो सहन कर पाते, भाई आपके घर कोई आ गया बाहर से उसको वो सहन वो नहीं कर पाएगा। वो हर रेलवे का जो म्यूजिक आता है उसको तो यार पूरा नींद मुझे सत्यानाश हो गया, मैं सोया नहीं था कल। सांता क्रूज है, विले पार्ले है, घाटकों पर कुरला है, उस एरिया में जो विमान आते हैं जो इतने नीचे से आते हैं हर एक मिनट के बाद एक या तो उतरते एक तो चढ़ता है, नहीं आदमी सो पाता है। पर उधर का आदमी सोएगा, पर बाहर का आदमी उधर आएगा तो नहीं सोएगा, हर मिनट में वो जागेगा और देखेगा क्या हो गया ऊपर से, क्योंकि उसका आदत नहीं। और ये आदत भी पड़ गई तो ये गलत आदत है। अब ये आप बोलेंगे तो जो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग की ये खराबी, झोपड़पट्टी आ गई, उसे डेवलपमेंट हो गया, भाई विमान जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट से कितने दूर तक की मानव बस्ती होनी चाहिए ये भी कैलकुलेशन नहीं हमारी था, तो होते रहते हैं। पर एक चीज है, ये तो अपने हाथ में नहीं, हम नहीं अभी बोल सकते कि भाई पोल्यूशन हो रहा है एयरपोर्ट को हटाओ जा रहा है उधर, ये तो नहीं कर सकते। पर क्या कर सकते, मान लो आपके हाथ में गाड़ी है, अब तीन गाड़ियां सामने खड़ी है, सिग्नल रेड सिग्नल दिख रहा है, फिर भी आप बजाओ यार बजाओ, किसको तकलीफ देना है, खुद को देना है ना दूसरों को देना, बजाते रहो है ना, FM चैनल बजाते रहो, अरे भाई मत बजाओ, इससे क्या होता है सबके दिमाग का दही हो जाता है। आजू बाजू वाले जो दुकानदार होते हैं वो चिल्लाते हैं भाई क्या कर रहा है, तेरे हॉर्न बजाने से थोड़ी वो ग्रीन होने वाला है, पर समझते नहीं लोग बजाते हैं तकलीफ देना चाहते। बीडी जी चाल हो, मैं तो ऐसे बहुत बार ऐसे लोगों के पास गया, ग्राउंड फ्लोर पे इस साइड से म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे इस साइड लगा है, यहाँ बच्चा पैदा हो गया, यहाँ शादी हो गई, थर्ड सेकेंड फ्लोर पे और कोई म्यूजिक, हम बीच में खड़े एक साथ तीन तीन अलग अलग गाने सुन रहे, सब तीनों गाने का खिचड़ी हमारे दिमाग में, और कैसे लोग सहन कर पाते उनको ही मालूम। मशीन का मोंगा हो या मंदिर का म्यूजिक हो कुछ भी हो, हम अपना जो क्या है हमारी ताकत दिखाना चाहते हैं। और ताकत कैसी होती है, ये यूथ वाली ताकत। अब म्यूजिक सिस्टम इतना बहुत बड़ा है उसके ठीक सामने रह के आदमी कैसा नाच सकता है ये मेरे आज तक मैं अनजान हूं, क्योंकि दूर खड़े रहते भी मेरा सीना ऊपर नीचे होता है, वो सिस्टम के ठीक आगे खड़ा रह के आदमी अपना म्यूजिक कितना अच्छा वो दिखाता है और डांस दिखाता है, बहुत गलत है। इतना डेसिबल अलाउड ही नहीं है, आपको झूठ लगेगा कि ये सिर्फ मानव के ऊपर नहीं, आपका हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते, या क्या हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करता है, खाली यही नहीं आपके ऊपर ही नहीं पशु पक्षियों के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। आप सोच सकते हो
दिवाली के जमाने में एक बार अगर फटाका फट गया, पहला फटाका फटते तब आप बाहर जाके देखो पूरे पक्षी इधर उधर उड़ते रहते, डरे हुए उड़ते रहते, और वो उस जब फटाके के दौरान वो सब ऐसे छुपे से रहते, डरे हुए रहते, उनको वो आवाज सहन नहीं होता है। और बहुत से जानवर अपने प्रजाति के लिए अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए ध्वनियों का उपयोग करते, यानी चाहे वह प्रजनन उद्देश्य हो, नेविगेशन के उद्देश्य हो या शिकार के उद्देश्य हो, वो एक दूसरे को बताते हैं। तो भाई शेर आ गया तो शेर आया है, मैंने शेर देखा है, एक चिल्लाने वाला जो मंकी रहता है वो चिल्लाते हैं एक विशिष्ट, या तो हरिन रहता है डियर, वो एक विशिष्ट आवाज निकलता है, उससे पूरा पूरा जंगल को मालूम होती कि भाई यहाँ शेर है। भाई आवाज इतना होगा तो उसको क्या पता चलेगा, उसका आवाज ही किसको सुनने को नहीं आया। तो ध्वनि प्रदूषण बहुत बुरी है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना ही बोलूंगा कि आज का विषय था ध्वनि प्रदूषण। भाई साहब जितना होए हॉर्न बजाना कम करो, नहीं करे तो बहुत अच्छा। आज का विषय सुनने के बाद इतना भी करेंगे तो भी मैं सोचता हूं ध्वनि प्रदूषण बहुत कम हो गया है मेरे कारण। आज का विषय यहीं समाप्त करता हूं, अगले विषय तक यही रुकेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।